हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल अंकुश में आप सभी का स्वागत है। और एक्सेल फॉर मार्केटिंग के इस लास्ट मॉड्यूल के लास्ट सेशन को आज हम देख रहे हैं, और इसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन देखने वाले हैं जिसका नाम है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल क्या होता है और इसको हम कैसे बनाएंगे, कैसे यूज कर सकते हैं और ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, ये आप इसको देखेंगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्यों स्पेशली यूज़ किया जाता है और इसके बारे में क्यों एक्चुअली में पूछा जाता है। तो सिंपल सा मैं आपको पाइवट टेबल को यूज़ करना बता दूं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाइवट टेबल इंसर्ट ऑप्शन में होता है और इसके बेसिस पे आप इजीली डेटा को अरेंज कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा को समराइज कर सकते हैं और अपने रिपोर्ट को क्विक और ईजी वे में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे, तो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमको क्या करना है कि इस ऑप्शन को, ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको पाइवट टेबल ऑप्शन पर क्लिक करना है। पाइवट टेबल जब आप बनाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होता है, एक को बोलते हैं हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट, एक को बोलते हैं हम न्यू वर्कशीट। अगर आपको न्यू वर्कशीट में बनाना है तो आप न्यू वर्कशीट में बना सकते हैं, एग्जिस्टिंग में बनाना है तो एग्जिस्टिंग में बना सकते हैं। तो मैं एग्जिस्टिंग लूँगा तो एग्जिस्टिंग में क्लिक करें। एग्जिस्टिंग में क्लिक करने के बाद आपको लोकेशन चूज़ करना होगा कि आप उसका रिपोर्ट को कहाँ पर बनाना चाहते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि सेम शीट पर बनाएं। तो एग्जिस्टिंग लेकर आपको लोकेशन चूज़ करना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करके, इस बॉक्स पर क्लिक करके देन आप ओके बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो पाइवट टेबल का एक बेसिक सा स्टेटमेंट रिपोर्ट है वो आपका बन जाएगा इस तरह से एक प्रीव्यू, और राइट साइड में आपके पास पाइवट टेबल फील्ड्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर पाइवट टेबल फील्ड आपका बंद हो जाता है तो आपको सिंपली क्या करना है कि इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, ये जो एरिया है इस पर कहीं पर भी क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद आपको एनालाइज ऑप्शन पे जाना है। एनालाइज ऑप्शन में राइट साइड में लास्ट में आपको फील्ड लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो ये फील्ड लिस्ट वापस से इनेबल हो जाएगा। देन पाइवट टेबल से आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए पाइवट टेबल में कैसे वर्क करते हैं। सिंपली आपके पास जितने भी हेडर्स होते हैं, जितने भी फील्ड्स होते हैं, उनका यहाँ पर लिस्ट ऑटोमेटिक बन जाएगा जब आप पाइवट टेबल को बनाते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने सेलेक्ट किया ब्रांच, जैसे ही मैंने ब्रांच सेलेक्ट किया यहाँ पे मेरे पास ब्रांच का लिस्ट अवेलेबल हो गया। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि ये जो ब्रांच है ये रिपीटेड मोड पर नहीं आया है, ये कोलैप्स होकर आपको शो कर रहा है, यानी कि वन बाय वन डेटा शो कर रहा है, ये रिपीटेशन नहीं शो कर रहा है। देन हर एक ब्रांच का मुझे टोटल चेक करना है, मैं डायरेक्ट टोटल पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने टोटल किया, देखिए ये जो टोटल है ये ऑटोमेटिक आ गया है, आपको कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो डायरेक्टली हम लोग इस टोटल को यहाँ से फाइंड आउट कर लिए, इट मीन्स जो आप समिफ से कर रहे थे उसको आप बस एक सिंगल क्लिक में ही यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। इसीलिए ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करना भी बहुत इजी होता है और फिल्टर करके ये डेटा को ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दे दिया आपको। देन हम लोग बात करेंगे इसके साथ और एक्स्ट्रा ऑप्शन की। देन मुझे चेक करना है कि जितने भी ब्रांचेज हैं उस ब्रांचेज में किस किस रीजन में काम हुआ है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, रीज़न सेलेक्ट करूँगा। जैसे ही मैंने रीज़न सेलेक्ट किया, हर एक लेबल का अपना एक रीज़न का लिस्ट यहाँ पर क्रिएट हो गया, और इस लिस्ट को मैं क्या करूँगा, शिफ्टिंग करूँगा। देखिए रीज़न है और प्रोडक्ट का जो ब्रांच है वो दोनों एक ही प्लेसेस पे है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इस ब्रांच को मैं कॉलम पे ड्रैग कर दूंगा। देखिए यहाँ पे ब्रांच को मैं कॉलम पे सिंपली उठा के ड्रैग कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने इसको ड्रैग कर दिया तो यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल हो गया आपका रीज़न, और यहाँ पर इस रेंज में मेरे पास अवेलेबल हो गया आपका ब्रांच का नेम। तो इस तरह से ईस्ट में आगरा ब्रांच में इतना सेलिंग हुआ है, ईस्ट में गुवाहाटी ब्रांच में इतना सेलिंग हुआ, और ईस्ट में पटना ब्रांच में इतना सेलिंग हुआ है। तो एक बेसिक सा एग्जांपल लेके मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बताया है। तो इसी तरह से नॉर्थ के एम्प्लॉय का आपका आगरा में इतना सेलिंग किया है, नॉर्थ के एम्प्लॉय ने अलीगढ़ में इतना सेलिंग किया। तो आप इस तरह से डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं डेटा को, और इसके बेसिस पे आप कैटेगराइज व्यू में डेटा इजीली समराइज कर सकते हैं, जो साथ ही साथ आपको टोटल कैलकुलेशन करके भी आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। देन इसको मैं फिर से नॉर्मल करना चाहता हूँ तो मैं इसको सिंपली ड्रैग कर दूंगा तो ये आपका फिर से नॉर्मल हो जाएगा। अब मेरे पास देखिए रीजन के अकॉर्डिंग ग्राफ आपका
शो करना है या फिर आपको इसके अकॉर्डिंग आपको ग्राफ शो करना है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा कि मैं पाइवट टेबल ऑप्शन पर जाऊँगा। पाइवट टेबल के कोई भी ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ पर देखिए एनालाइज में पाइवट चार्ट का ऑप्शन होगा, पाइवट चार्ट पर क्लिक करना है। देन सिमिलरली चार्ट का आपको टाइप चूज करना है और ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे यहाँ पे आपका देखिए ये पूरा डिटेल्स बन जाएगा, लेकिन इस चार्ट में आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा। देखिए यहाँ पे सम ऑफ टोटल है, यहाँ पे रीजन है, यहाँ पे ब्रांच है। अब सपोज मुझे क्या करना है कि कैटेगरी शो करना है। देखिए यहाँ पे ईस्ट में कौन है, नॉर्थ में कौन है, तो ये आपको एक बेहतर चार्ट बनाकर ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप इस तरह से कैटेगराइज व्यू में भी चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ये आप डायरेक्टली नहीं बना सकते हैं, इस तरह से आपको बनाना होता है। देन हम लोग यहाँ से रीजन में गए और रीजन में मैंने फिल्टर कर दिया ईस्ट को और साउथ को, तो मैंने ईस्ट और साउथ को सेलेक्ट करके ओके किया। तो देखिए ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, फिल्टर हो गया। तो यहाँ से आप चार्ट को भी फिल्टर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही यूनिक और एडवांस ऑप्शन है, इसीलिए पाइवट टेबल ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि पाइवट टेबल को यूज़ करें और इसके कमांड को आप समझें और सीखें इस तरह से प्रैक्टिस करके, ताकि आप अपने प्रोडक्टिविटी लेवल को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकें। देन हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, मैं अगर प्रोडक्ट को भी इनेबल कर देता हूँ, मैं अगर ब्रांड को भी इनेबल कर देता हूँ, तो जैसे जैसे मैं इनेबल कर रहा हूँ ये ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, डेटा को कैटेगराइज कर रहा है। देखिए मैं थोड़ा ग्राफ बड़ा करके दिखाता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा है आपका डिटेल्स। तो इस तरह से देखिए आप देख पा रहे हैं कि ईस्ट में यहाँ पर आगरा, आगरा जेब्रोनिक्स, गुवाहाटी लॉजिटेक, पटना में डेल और HP दोनों है। तो देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से कैटेगराइज करके ये परफेक्ट डेटा को शो कर रहा है और आप यहाँ पे इवेलुएट भी कर पा रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं इसका लेआउट को चेंज कर देता हूँ, डिज़ाइन में जाके मैंने लेआउट को चेंज कर दिया जिसमें मैंने अमाउंट को शो कर दिया, तो देखिए अब ये क्या करेगा, अब ये परफेक्ट व्यू में आपका डेटा को शो कर रहा है। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि फ़िल्टर कर सकते हैं। देखिए फ़िल्टर करने का एक ऑप्शन मैंने यहाँ पे आपको बताया। दूसरा ऑप्शन जैसे यहाँ पे ईस्ट है, तो ईस्ट पर क्लिक करके अगर इस ऑप्शन पे जाएंगे तो देखिए ईस्ट का फ़िल्टर यानी कि रीज़न का फ़िल्टर आएगा। अगर आप किसी ब्रांच पर क्लिक करते हैं, किसी भी ब्रांच पर, और इस ऑप्शन पर जाते हैं तो ये ब्रांच का आपको फ़िल्टर देगा। अगर आप किसी प्रोडक्ट पर जाते हैं यानी कि उसके ब्रांड पर, तो उसका फ़िल्टर ऑप्शन देगा। तो जैसे ही आप कोई टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, ये फ़िल्टर मार्क क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग उसका डिटेल्स को फ़िल्टर करने में हेल्प करता है, जिसके बेसिस पे आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और इस तरह का रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम कितने एडवांस तरीके से पाइवट टेबल की मदद से डेटा को अरेंज कर सकते हैं, साथ ही हम उसका ग्राफिंग कर सकते हैं एडवांस मोड पर, और हर तरह का ग्राफ अवेलेबल होता है। देन अगर फील्ड सेट हट गया है तो एनालाइज में सिंपली जाकर आपको फील्ड लिस्ट पर क्लिक करना है, वो इनेबल हो जाएगा। अब इस डिटेल्स को मैं अलग अलग व्यू में देख सकता हूं, तो आपको सिंपली डिज़ाइन में जाना है, सब टोटल के ऑप्शन में जाना है, डू नॉट शो सब टोटल। तो जैसे ही मैंने डू नॉट शो सब टोटल किया, देखिए सब टोटल का जो ऑप्शन है वो हट गया है। तो यहाँ से आप सब टोटल को ऐड कर सकते हैं, सब टोटल को ऐड नहीं भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ईस्ट का डायरेक्ट टोटल आ रहा है, पटना का टोटल आ रहा है, गुवाहाटी का टोटल आ रहा है, आगरा का टोटल आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है जिसके बेसिस पे आप उसको डिफरेंट व्यू में सब टोटल करके चेक कर सकते हैं। देन ग्रैंड टोटल अगर मैं ऑफ कर देता हूँ तो ग्रैंड टोटल जो आपका है वो ऑफ हो जाएगा। अगर मैं उसको दोबारा से ऑन कर देता हूँ तो ग्रैंड टोटल आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। देन रिपोर्ट लेआउट को आपको किस मोड पे देखना है, तो यहाँ पे शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, तो ये जो मोड होता है इसको कॉम्पैक्ट मोड बोलते हैं। देन हम लोग बात करेंगे शो इन आउटलाइन फॉर्म, तो जैसे ही आप आउटलाइन फॉर्म करेंगे, आउटलाइन फॉर्म में क्या होता है कि हर एक टॉपिक अपने अलग कॉलम में जाएगा, लेकिन वो उसके इनसाइड ही होता है। इट मीन्स कि अगर आप माइनस पर क्लिक करेंगे तो देखिए वो वाला लिस्ट पूरा उसके अंदर कोलैप्स हो जाएगा। जैसे ही मैंने माइनस पे किया, उसके अंदर वो पूरा लिस्ट क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। तो इस तरह से आप उसको हाइड करके इनसाइड भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। देन इसी में मैं आपको थर्ड ऑप्शन बताता हूँ, सो इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म करेंगे तो आपका टेबल के फॉर्मेट में इस तरह से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका टेबुलर फॉर्मेट में आएगा कि ईस्ट है, आगरा है, जेब्रोनिक्स है, देन उसका अमाउंट है। देन आगरा का टोटल आया, गुवाहाटी का लॉजिटेक के अकॉर्डिंग उस तरह से आया, देन ईस्ट का ये सारा ऑप्शन आपको वन बाय वन इस तरह से शो कर गया। देन उसी तरह से अगर साउथ की बात करें तो साउथ का इस तरह से कोलैप्स हो गया, ठीक है। देन यहाँ पे रिपीट ऑल आइटम्स एंड लेबल है, डोंट रिपीट ऑल आइटम्स एंड लेबल है। तो रिपीट अगर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे बार बार रिपीट करेगा कि ईस्ट यहाँ पे आया, फिर ईस्ट है, फिर ईस्ट है, फिर ईस्ट है, इस तरह से रिपीटेशन होगा। अगर आप डोंट रिपीट करते हैं तो ये रिपीटेशन बार बार नहीं होगा। देन ब्लैंक रोज,
इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, तो हर एक आइटम के बाद ब्लैंक लाइन इंसर्ट हो जाएगा, और अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप उसको सिंपली रिमूव कर सकते हैं। देन ग्रैंड टोटल ऑफ कर सकते हैं आप, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। देन टोटल सब टोटल शो करना है नहीं करना है आप उसके अकॉर्डिंग उसको ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डेटा को इवेलुएट कर सकते हैं और ये आपका इस तरह से बन जाता है। देन उस इंसर्ट स्लाइसर यूज़ करूँगा, इंसर्ट स्लाइसर में जाना है और यहाँ पे आपको ब्रांच देन डिपार्टमेंट देन प्रोडक्ट जो जो आपने यहाँ पर लिया है, देखिए मैंने क्या क्या लिया है। तो मैंने ब्रांच लिया, ब्रांच टिक किया, मैंने ब्रांड लिया है, देन मैं ब्रांड ले लेता हूँ, देन मैंने रीज़न लिया, तो ये तीनों को सेलेक्ट करके मैं ओके कर दूंगा। जैसे ही मैं ओके करूंगा यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, तीनों का डेटा अवेलेबल हो जाएगा इस मोड पे, इसको हम स्लाइसर बोलते हैं। अब स्लाइसर का काम क्या होता है, तो सिंपली आप जिस पे भी क्लिक करेंगे वो डेटा क्या होगा, डायरेक्ट फिल्टर होगा। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डेटा आपका फिल्टर हो रहा है, तो इस तरह से आप डेटा को फिल्टर करके शो कर सकते हैं। देन यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप मल्टीपल सेलेक्शन कर सकते हैं, तो इस तरह से आपका ऑप्शन होता है जिसके बेसिस पे आप डेटा को इजीली इवेलुएट कर सकते हैं। देन यहाँ पे जैसे मैं सबसे पहले सबको टिक करके इनेबल कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे सारा इनेबल हो गया। अब मुझे सपोज आगरा और किसी का चाहिए, तो अगर मल्टीपल सेलेक्ट करना है या एक सेलेक्ट करना है तो उसके लिए ऑप्शन होता है। जैसे कि अगर आप केवल आगरा सेलेक्ट करते हैं तो देखिए आगरा का जो लिस्ट है वो बन गया है यहाँ पे मेरे पास, कि ईस्ट में आगरा जेब्रोनिक्स में सेल हो रहा है, देन नॉर्थ में नॉर्थ का एम्प्लॉय आगरा में सेलिंग कर रहा है इंटेल को, सैमसंग को, जेब्रोनिक्स को। तो यहाँ पे तीन डेटा है मेरे पास नॉर्थ से रिलेटेड। ओके, देन इस ऑप्शन को आप कैसे किए थे, तो यहाँ पे डिज़ाइन में जाके इसको चेंज करिएगा टेबुलर फॉर्मेट में, ठीक है। देन हम लोग बात करेंगे बेंगलोर की, तो बेंगलोर में जैसे ही किया ये चेंज हो गया। अब मुझे आगरा और बेंगलोर दोनों का देखना है, तो मैं इस ऑप्शन को चेक करूंगा, ये मल्टीपल ऑप्शन होता है। देन आगरा और बेंगलोर दोनों सेलेक्ट कर दिया, तो देखिए ये दोनों का डिटेल्स को शो कर रहा है, ये आगरा और बेंगलोर दोनों का डिटेल्स आ रहा है। देन मुझे साउथ का नहीं देखना है, तो मैं साउथ को हटा दूंगा टिक से, तो साउथ क्या होगा, हट जाएगा। ये मल्टीपल चेक होता है, अगर ये चेक नहीं रहेगा तो आप सिंगल को देख पाएंगे। जब फिर इस पर मैंने क्लिक कर दिया और मैं इंटेल का हटा दिया, मैं सारे ऑप्शंस को पहले हटा देता हूँ, क्लियर फिल्टर कर देता हूँ, और मैं इंटेल का देखना चाहता हूँ नहीं देखना चाहता हूँ, सैमसंग का देखना चाहता हूँ नहीं देखना चाहता हूँ, उसके बेसिस पे आप उसको शो हाइड कर सकते हैं कि आपको किस ऑप्शन को देखना है किस ऑप्शन को नहीं देखना है। तो उसके बेसिस पे ये डेटा को क्या करेगा, फिल्टर करेगा, और अगर आप ग्राफ बनाए हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक आपका ग्राफ चेंज होता जाएगा। तो स्लाइसर आपका सिंपली क्या करता है कि मल्टीपल वन टाइम में फिल्टर करने का ही हेल्प करता है, जो चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपका एक यूनिक फॉर्मेट होता है जिसके बेसिस पे आप एक अट्रैक्टिव शीट को बना सकते हैं। तो इस तरह से आप वन बाय वन सारे ऑप्शन को यूज़ करिए, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है, तो आप उसको ज़रूर डिस्कस करें। देन इसको हटाने के लिए सिंपली आपको इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है, तो ये कम्प्लीट एरिया आपका डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप उसको यूज़ करें और यूज़ करके देखें कि कैसे आप एक इफेक्टिव डेटा शीट बना सकते हैं, एक इफेक्टिव डेटा शो कर सकते हैं डिफरेंट ऑप्शंस के थ्रू, जो कि मैंने आपको पाइवट टेबल में बताया। और पाइवट टेबल के थ्रू आप अपने डेटा को एनालाइज करें बेटर वे में, आप ग्राफ उससे बनाएं, आप स्लाइसर उससे बनाएं, ताकि आप अपने इन्फॉर्मेशन को बेटर वे में शो कर पाएं। तो ये हमारा जो सेशन है ये लास्ट सेशन है, और इसके बाद मैं आपको लेवल 2 पर ले जाना चाहूँगा। अगर वो लोग जो तो इसके बाद हम लेवल 2 पर जाएंगे, ये लेवल 1 था। जिनको भी लेवल 2 से रिलेटेड डिटेल्स चाहिए वो मुझे पर्सनली मैसेज करें, या फिर आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि लेवल 2 में हम और कितने लेवल पे जाने वाले हैं। क्योंकि ये जो लेवल मैंने आपको बताया ये लेवल 1 बोलने के लिए है, लेकिन ये बहुत ही एडवांस ऑप्शंस था, और मैंने आपको सारे ऑप्शंस जितने भी मैंने बोले थे वन बाय वन सारे स्टेप बाय स्टेप बहुत ही सिंपल और अट्रैक्टिव वे में बताए हैं, और आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रैक्टिस फाइल्स अवेलेबल कराए हैं, जिसके थ्रू आप अगर इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कोई भी ऑप्शंस में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और आपको गाइड करने के लिए, आपसे डेटा शेयर करने के लिए और नॉलेज शेयर करने के लिए मैं हमेशा रेडी हूँ। तो आपको जब भी कोई भी डाउट होता है आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन दिस कोर्स, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।